Morning students, today we will start exercise 13.2 of chapter 13 direct and inverse proportions. तो इससे previous video में हम exercise 13.2 के question 4 तक discuss कर चुके थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. तो start करते exercise 13.2 को. इस video का question number first जो हम discuss करने वाले हैं वो है question number 5th, क्योंकि question number 4 तक तो हम previous video में discuss कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है. अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल. देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक फार्मर के पास इनफ फूड है, कितना फूड है कि वो फीड कर सकता है 20 एनिमल्स को 6 डेज तक. ठीक है, अगर वो एनिमल्स 10 और इंक्रीज हो जाते हैं, 20 एनिमल्स को वो फीड कर पा रहा है 6 डेज तक. अगर वो एनिमल्स इंक्रीज हो जाते हैं 10 मोर, तो मतलब 20 प्लस 10 कितने हो गया, 30 एनिमल्स हो चुके. पहले 20 एनिमल्स हैं, उनको वो फीड कर पा रहा है 6 डेज तक. अब 20 में 10 एनिमल्स और ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो गए, 30 हो गए. तो वो 30 एनिमल्स को कितने दिन तक फीड कर पाएगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 20 एनिमल्स को फीड कितने दिन करता है, 6 डेज फीड करता है. तो 30 एनिमल्स को कितने दिन फीड करेगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एनिमल्स है और जो नंबर ऑफ डेज है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है. किसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में. तो वी कैन राइट 20/30 इक्वल्स टू 6/x. वहाँ से हम एक्स के लिए निकाल लेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज पता लग जाएगा. सो क्रॉस वन क्या करेंगे, देखो 20 × 6 क्या करेंगे, 20 × 6 एंड 30 × x करेंगे. तो एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो सकता है 2 times, तो 2 से कितना होता है 4 days. जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 days, hence the food will last for 4 days. तो जो फूड होगा वो कितने दिन रहेगा, 4 days, और आएगा अगर 10 एनिमल्स को इंक्रीज करते हैं, 10 एनिमल्स होंगे ऐड हो जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3% कुड रीवायर जसविंदर हाउस इन 4 days इफ ही यूजेस 4% इंस्टेड ऑफ 3. हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब. देखो क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट करा कि 3% जो होंगे वो जसविंदर हाउस को रीवायर कर देंगे 4 days में. ठीक है, ये एक एस्टिमेशन था, पर वो यूज कितने करता है, वो 4% यूज करता है इंस्टेड ऑफ 3 को वो यूज नहीं करता. वो एस्टिमेशन तो लगाता है कि 3% जो होंगे वो रीवायर कर देंगे जसविंदर हाउस को 4 days में, पर वो क्या कितने यूज करता है, 4% यूज करता है. तो हमें बताना है कि अब जब वो 4% यूज कर रहा है तो वो कितने डेज में जो काम होगा वो खत्म हो जाएगा. सो हमें टाइम तो पता नहीं है, तो हम टाइम को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे. लेट्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जॉब विल बी एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया. अब जब 3% थे, जब उसने एस्टिमेशन किया था, उसने क्या करा था कि 3% जो होंगे वो 4 days में वर्क को कंप्लीट कर देंगे, बट ही यूजेस 4%, पर उसने कितने यूज करे, 4% यूज करे इंस्टेड ऑफ 3. तो हमें बताना है कि वो कितने टाइम में जो होगा वर्क को कंप्लीट करेंगे. तो ये वाला केस हमारा किसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में. किसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में. यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन और जो नंबर ऑफ डेज है वो हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में. तो वी कैन राइट 3/4 = 4/x. तो 3 × 4 and 4 × x करेंगे, x के लिए कैलकुलेट करेंगे तो x के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 days. सो x के लिए हमारे पास कितनी आएगी, 3 days. तो hence 4% will complete the job in 3 days. तो जो 4% होंगे वो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, 4 days में खत्म करेंगे. ठीक है, अगर नंबर ऑफ पर्सन कम है तो टाइम ज़्यादा लगा, अगर पर्सन बढ़ा दिए तो टाइम कितना लगा, कम लगा. जब 3% को यूज़ कर रहे थे तो 4 days में काम होता, अब 4% को यूज़ कर रहे हैं तो 3 days में ही काम कंप्लीट हो रहा है. इसलिए कंडीशन किसमें, इनवर्स प्रोपोर्शन में. हमने देखा था ना कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसके दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होने पर पहली को, ये ऐसा केस बनता है तो वो किसमें जाता है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में जाता है. Now let's come to the question number 7. 7 क्या है? A batch of bottle was in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A batch of bottle, एक batch of bottles का जिसमें was in 25 boxes. 25 boxes में जिसमें 12 बॉटल्स हैं हर एक बॉक्स में. इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, अगर एक सेम बैच को पैक किया जाता है 20 बॉटल्स का यूज करते हुए हर एक बॉक्स में, तो कितने बॉक्स फिल्ड होंगे ये हमको बताना है.
तो नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमने कितना मान लिया, x मान लिया. नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया. तो नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स कितनी है, 12 बॉटल्स जो है वो कितने बॉक्स में है, 25 बॉक्सेस में. तो 20 बॉटल्स के लिए कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, यही तो हमें बताना है. ठीक है, 12 बॉटल्स जो है वो 25 बॉक्सेस में है, 20 बॉटल्स के लिए कितने बॉक्स फिल्ड होंगे ये हमें बताना है. तो यहाँ पर जो केस है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में, ये नंबर ऑफ बॉटल्स और जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है. जब 12 बॉटल्स हैं तो उनके लिए कितने रिक्वायरमेंट है, 25 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट. तो जब 20 बॉक्सेस होंगे तो उनके लिए कितने बॉक्सेस की, 20 बॉटल्स होंगे तो उनके कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20/20=x/25. ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 12 × 25 और कितना आ जाएगा, 20 × x. सो वी कैन राइट 12/20=x/25, राइट. तो क्या लिखेंगे हम इसको, 12 × 25 = 20x. x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 12 × 25 / 20 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे. सो देखो किसे आ सकता है, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, 3 × 5 से कितना होता है, 15. तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 15. तो 15 बॉक्सेज जो होंगे वो फिल्ड हो गए. 9th पर आ जाते हैं, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन by traveling at a speed of 60 km/h, how long will it take when the car travels at a speed of 80 km/h? देखो क्या कह रहे हैं कि कार कितना समय लेती है, 2 hours लेती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए, अगर वो ट्रैवल करेगी किस स्पीड से, 60 km/h की स्पीड से ट्रेवल करेगी. तो अगर कार ट्रैवल करेगी 80 km/h तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो देखो स्पीड जब 60 है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 hours. जब स्पीड 80 होगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड करना है. तो ये वाला केस हमारा एक इसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में जो स्पीड ऑफ कार जो टाइम है वो किसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो उसको करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 60 × 2 / 60 × 2 / 80. एक्स की वैल्यू से निकाल लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8. तो कितने आ गए हमारे पास, यहाँ पर उसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 4 कैंसिल हो सकता है 2 times. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2. ठीक है, 3/2. तो 3/2 का अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 1.5 hours. हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 hours. तो कितना टाइम लगेगा उस कार को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर, 1.5 hours लग जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स आर्स टू बी द सेम. ठीक है, सो क्वेश्चन 11 क्या है, देखो एक स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में. ठीक है, किस ड्यूरेशन के, 45 मिनट्स ड्यूरेशन के, मतलब 45 मिनट के 8 पीरियड लगते हैं. अगर नंबर ऑफ पीरियड एक दिन में 9 लग रहे हैं तो उनका ड्यूरेशन हमें बताना है कि ड्यूरेशन उस दौरान क्या रहेगा. ठीक है, 9 पीरियड्स के टाइम पर जो हर एक पीरियड है उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, वी हैव टू फाइंड दिस. ठीक है, तो हमने लेट कर लिया ड्यूरेशन ऑफ ईच टाइम पीरियड एक्स. ठीक है, अब हम फाइंड कर लेंगे इस एक्स की वैल्यू. यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं एंड जो ड्यूरेशन है पीरियड्स का वो इनवर्स प्रोपोर्शन में. ठीक है, सो 8/9 = x/45. सो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 × 45 = 9 × x. यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 8 × 45 / 9 = x. ठीक है, 9 से 45 कैंसिल होगा, कितने 9 कैंसिल होगा, 9 × 5 = 45. 8 × 5 से कितना होता है, 40. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई. सो जो अगर स्कूल में 9 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में तो हर एक पीरियड का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 40 मिनट्स. हैंस द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड वुड बी 40 मिनट्स. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि यहाँ पर खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 भी यहाँ पर खत्म होती है. ना इसके जो रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन रह गए थे वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी वो PDF में अवेलेबल रहेंगे.